99% जीत चुकी थी श्रीलंका की टीम आखिरी T20 मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी ने रचा इतिहास और जीता टीम इंडिया ने आखिरी मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका की टीम के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज खेली गई और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस सीरीज को श्रीलंका की टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप किया और आखिरी मुकाबले को भी जीत कर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम अब ODI सीरीज को भी अपने नाम पर करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रीलंका की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ है शुभमन गिल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर तीक्ष्णा की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर की तरफ पहली बाउंड्री के साथ ही अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्रीलाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर तीक्ष्णा ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 9 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे संजू सैमसन भी तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर विक्रम सिंह की गेंद का शिकार हुए। हसरंगा ने इनका कैच पकड़ा, चूँकि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए रिंकू सिंह भी चौथे ओवर की पहली बॉल पर तीक्ष्णा की गेंद का शिकार हुए। पथिराना ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर तीक्ष्णा की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ बाउंड्री जमाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि 4 ओवर तक भारतीय टीम अपने 3 विकेट खो चुकी थी और अब तक भारतीय टीम का स्कोर भी मात्र 21 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद पांचवे ओवर की पांचवी बॉल पर यहां पर विक्रम सिंह की गेंद का एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन छठे ओवर की चौथी बॉल पर टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया था। यहाँ पर फेरांटो ने जहाँ पर सूर्य कुमार यादव कप्तान का विकेट लिया, इनको भी हसरंगा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 9 बॉलों पर मात्र 8 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे शिवम दुबे, 6 ओवर तक टीम का स्कोर मात्र 30 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर छोटे छोटे स्कोर से मजबूत स्थिति में टीम इंडिया को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन 9वें ओवर की चौथी बॉल पर मेंडिस ने दुबे का विकेट लिया, इनको यहां पर कैच और बोल्ट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर मात्र 13 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए रिंकू सिंह, एक छोर से पारी को संभाले हुए थे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, हालांकि इन्होंने 10 ओवर तक 18 बॉलों का सामना किया और अब तक 19 रनों की पारी खेली थी। तो भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर तक 5 विकेट खोने के साथ ही यहाँ से 59 रनों तक पहुँचा। तो इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेंडिस की गेंद का एक बार फिर पराग ने शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर कामिंदू की गेंद का एक बार फिर गिल ने भी शानदार आगाज किया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो 14वें ओवर की पहली बॉल पर हसरंगा की गेंद का पराग ने शानदार आगाज किया और इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था इनके बल्ले से, इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी
इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पराग ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा और छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर यहां से 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर कमिंतु की गेंद का गिल ने शानदार आगाज के स्वीप शॉट के जरिए गेंद को कीपर के ऊपर से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच छठे विकेट के लिए मात्र 39 बॉलों में 54 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे हसरंगा ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर गिल का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया। चूंकि 37 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे, तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हसरंगा की गेंद का शिकार हुए। मेंडिस ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 18 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभाला वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ रवि बिश्नोई ने, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक बार फिर शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ दिया। तो भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर तक 120 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर मेंडिस की गेंद का सुंदर ने शानदार आगाज किया, स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर तिक्षाणा की गेंद का वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार आगाज किया और छक्के के साथ ही टीम के स्कोर को यहां से 135 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर भी तिक्षाणा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 18 बॉलों पर 25 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो आखिरी गेंद पर सिराज का विकेट गिरा, जो कि आज के मुकाबले में रन आउट हुए और अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही यहां से 137 रन बना दिए। अब श्रीलंका की टीम के सामने यहां से टारगेट था 138 रनों का। हम बात करें श्रीलंका की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पाथुम निशंका, तो उनके साथ थे कुशल मेंडिस, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे निशंका ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और मिड ऑन की तरफ बाउंड्री देखने को मिली। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, जहां पर पावर प्ले की बात करें तो 7 ओवर तक टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो अब तक भारतीय टीम को यहां से एक भी विकेट नहीं मिला। तो इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई थी रवि बिश्नोई ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे पाथुम निशंका का विकेट लिया। यहां पर रियान पराग के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 27 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कुशल पेरा, जहां पर टीम का स्कोर 9 ओवर तक 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। पेरा ने भी 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया, आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर तक ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि अब आखिरी यहां पर 33 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी 36 रनों की। तो इसके बाद 15वें ओवर की चौथी बॉल पर पेरेरा ने एक बार फिर कट शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि अब यहां पर टीम काफी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी, लेकिन 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने कुशल मेंडिस का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 41 बॉलों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे थे हसरंगा का विकेट लिया वॉशिंगटन सुंदर ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर, इनको भी रवि बिश्नोई के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके।
और ये भी चलते बने। तो इसके बाद 17वें ओवर की चौथी बॉल पर अश्लंका भी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार हुए। सैमसन ने इनका कैच पकड़ा जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाले हुए थे कुशल पेरा भी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर रिंकू सिंह की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया जो कि 34 बॉलों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद रमेश मेंडिस भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रिंकू सिंह की गेंद का शिकार हुए। शुभमन गिल ने इनका कैच पकड़ा जो कि 6 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और यह भी चलते बने। यानी कि 19 ओवर तक टीम ने अपने 6 विकेट खोने के साथ ही अपने स्कोर को 132 रनों तक पहुंचाया था। आखिरी 6 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी यहां से 6 रनों की। यानी कि अब आखिरी ओवर डालने आई टीम इंडिया की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरी बॉल पर कामिंदु मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने तिक्षाणा का विकेट लिया। इनको भी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि अब दमदार फॉर्म में उतरी टीम ने यहां पर आखिरी ओवर तक टीम के स्कोर को 8 विकेट के नुकसान पर 137 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर का मुकाबला खेला गया जहां पर कुशल मेंडिस के साथ एक बार फिर कुशल पेर्रा पारी की शुरुआत करने उतरे। दमदार फॉर्म में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर पेर्रा का विकेट लिया। रवि बिश्नोई के हाथों से इनको कैच आउट करवाया जो कि अपनी पहली बॉल पर बिना खाता खोले पेवेलियन लौटे। तो चौथी बॉल पर निशंका भी सुंदर की गेंद का शिकार हुए। रिंकू सिंह के हाथों से इनको कैच आउट करवाया और ये भी अपना खाता नहीं खोल सके। यानी कि सुपर ओवर के मुकाबले में यहां पर भारतीय टीम के सामने टारगेट रखा था मात्र 4 रनों का और टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे गिल तो उनके साथ थे सूर्य कुमार यादव। जहां पर सूर्य कुमार यादव ने तिक्षाणा की पहली गेंद पर ही चौका जड़ते हुए श्रीलंका की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और इस मुकाबले को अपने नाम पर करते हुए इतिहास रचा। सुपर ओवर के मैच में टीम इंडिया ने 2 विकेट से मुकाबले को जीत कर अपने नाम पर कर लिया और सीरीज को भी क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस वनडे सीरीज को भी अब क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।